कोरोना संक्रमण के बीच अचानक सोमवार को गाजीपुर का राजनीतिक पारा चढ़ गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रदेश सरकार के विरोध में समाजवादी युवाओं का जत्था सड़क पर उतर गया। पार्टी के यूथ फ्रंटल समाजवादी युवजन सभा, समाजवादी लोहिया वाहिनी, समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों की समस्या को लेकर ज्ञापन देने के उद्देश्य से सपा कार्यालय पर इकट्ठा हुए। समाजवादियों के जमावड़े को देखते हुए गाजीपुर की पुलिस भी सतर्क हो गई। सपाइयों को रोकने के लिए सपा कार्यालय के नीचे सदर सीओ ओजस्वी चावला, सदर कोतवाल दिलीप सिंह, गोरा बाजार चौकी इंचार्ज अनुराग गोस्वामी भारी संख्या में फोर्स के साथ मौजूद रहे। जैसे ही करीब 11:30 बजे नौजवान सपा कार्यालय से नीचे उतरे, पुलिस अधिकारी सिर्फ 5 लोगों के जाने की बात कह बाकी को जाने से रोकने की कोशिश की। इसे लेकर पुलिस और नेताओं में तीखी झड़प शुरू हो गई। शोर शराबा शांत होने के बजाय बढ़ता गया। मामला पुलिस से धक्का मुक्की तक पहुंच गया। इस दौरान अखिलेश यादव जिंदाबाद, ये सरकार निकम्मी है जैसे नारे भी गूंजने लगे। पुलिस को धक्का देते युवाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ बढ़ने की कोशिश की। नेताओं और युवाओं का ये जत्था एसपी कार्यालय तक पहुंच गया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अफरा तफरी मच गई। इस बीच सपा के जिलाध्यक्ष रामधारी यादव सहित अन्य कई कार्यकर्ता ज्ञापन देने के लिए डीएम से मिलने गए। पुलिस और सपाइयों के बीच हुई इस गुत्थम गुत्थी से करीब 1 घंटे तक कचहरी पर अफरा तफरी मची रही। कोरोना काल में हुए इस राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में मौके पर सपा जिलाध्यक्ष रामधारी यादव, लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष अमित ठाकुर, समाजवादी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष सदानंद कन्नौजिया, यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष विनोद पाल, समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष अमित सिंह ठाकुर, सत्येंद्र यादव सत्या, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश कुशवाहा और तमाम युवा नेता और छात्र मौजूद रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।